देखो देखो क्या कैसे ऊपर दम दम है ना, वही है ना तेरे भाई को ब्याह करवा दे मेरे भाई की जी कहाँ की शादी करवाऊँ बता है? मेरी करा लो कुछ आपकी करा दो अच्छा ठीक है आपकी करा देंगे फीवर हो रहा है नाक बंद हो रहा है और जुकाम खांसी उल्टी भी कर रही है जैसे दवाई लेते ही उल्टी करती है ठीक है कब से आ रहा चेयर ले लो आप यार 3-4 दिन हो गए पहले तो हम जो आपकी दवाई पहले से रखी थी फ्लू कोल्ड वाली वो दे रहे थे और ये जो हेलो जी राम राम सबको तो भाई स्वागत है पुष्पा जाटनी के एक और नए ब्लॉग में तो काफ़ी टाइम से कोई अपना ब्लॉग नहीं आ रहा और आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि दी ब्लॉग नहीं बना रहे तो भाई अब से मतलब ट्राई करूँगी कि अब मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे हम भी सब अच्छे हैं मज़े में हैं जस्ट अभी मैं उठी हूँ भाई आज लेट उठी हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उठते ही पहले सबसे पहले गुड मॉर्निंग होती है मेरे गर्म पानी के साथ अब भाई गर्म पानी पीने के बाद में अब करेंगे घर का काम और पहले गर्म पानी पी लेती हूँ उसके बाद में मैंने ड्राई फ्रूट भिगो रखे हैं अपने मुनक्का और बादाम ये खाऊंगी उसके बाद में दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ बने रहना मेरे ब्लॉग में खा लेते हैं फिर नहा नहा जाएंगी मैं नहा लेती हूँ क्योंकि कुकू बेबी की हो रही है तबीयत ख़राब देखो इसका फेस कैसे हो रहा है मेरे बेटा का बीमार हो रहा है मेरे बेटा है ना अब हम डॉक्टर के जाएंगे भाई नाप नोड़ इससे पहले खा लेते खाना आप सब लोग बोलते हैं ना मैं मेकअप यूज करती हूँ भाई मैं मेकअप यूज नहीं करती मैं सिर्फ ये यूज करती हूँ ये है मेरी सीरम गार्नियर की और ये मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन और कुछ यूज करनी नहीं करती इसके अलावा सिर्फ लिपस्टिक है ना बेटा है ना हाँ। यार ये तो खत्म भी होने वाली है और हम जा रहे हैं नारनौल को बेटा को दवाई दिलाने के लिए तो आज मैंने सोचा कुछ न्यू लुक किया जाए तो इसलिए मैंने क्या पहन लिया आज क्या पहना है कुकू जींस और कुकू बेबे ने भी आज जींस पहनी है ना तो भाई अब हो जाती हूँ जल्दी से रेडी सीरम यूज कर ली उसके बाद में मैं ये मॉइस्चराइजर फिर बस इनफ है अब जा रहे हैं हम भाई आर्नोल और ये मेरा बेटा भी रेडी हो गया है ना और कैसे लग रहे गाइस बताना आज कुछ न्यू लुक किया है क्योंकि सूट पहन पहन के बोर हो गई थी तो सोचा आज क्यों ना जीन्स पहनी जाए ये पहन ली जीन्स और अब चलते हैं मार्केट ओके चलो ये अंग्रेज को भी लेके चलेगा क्या आपके रुमाल लो चलो शूज पहनो फिर मैं ये ड्रेस ले लेती हूँ मैं चलो चल दिए भैया अब कहाँ पे बेटा नारनौल इतने बड़े गॉगल्स लगाते हैं क्या हैं और भाई आप जा रहे हैं नारनौल कुकू बेटा को दवाई दिलाने के लिए अभी तो फिलहाल मैंने स्टॉल वेयर किया है आगे निकाल देंगे है ना बेटा और देख लो मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है सिर्फ लिपस्टिक यूज किया आप बोलते हो कि दी कौन क्या मेकअप में क्या यूज करते हो मैं कुछ हर बच्चे बैठे हैं काली चश्मा लगा का आपके लिए ठीक से क्या बोलता है मेरी बुना दोबारा बोल बोल दोबारा तुम ज्यादा ऐड मारो मां कर दूंगी लात मार के नीचे उतार रहे ठीक है हां बेटा प्यार से ये लंदन जा रहे हो ठीक है बताइए आप पब्लिक को आपने हेयर मास्क यूज किया था कैसा रिजल्ट रहा उसका मैंने तो नहीं किया भाई दिखाया था वो ब्लू वीडियो में साफ क्लियर दिख रहा था कल यूज किया था और आज बताओ उसका रिजल्ट आज तक भी कैसा है और मेरे बालों में तो देख ही सकते हो वॉल्यूम कितनी अच्छी आ रही है आप बताओ ठीक ठाक सिर्फ ठीक ठाक यार पब्लिक को ना मिस गाइड मत करो जो रियलिटी है ना वो बताओ सिर्फ तो भाई यूज करना और बताना मुझे कमेंट में जरूर बताना और ये मेरे कुकू बेटा अंग्रेज को लेके चल रहा है और आप मेरी वीडियो कहाँ शूट करने वाले हो रोड पे बताओ आते टाइम कुछ कौन मिला को 12:30 12:30 से तक कौन रहा 2 बजे तक रहना अलग सी लोकेशन पे बनाएंगे
दूसरी लेके बैठा रही है ठीक हो जाओ देख सकते हो गाइस मेरा पिंपल हो गया फेस पे अलग ही दिख रहा होगा आपको। आजकल मैं चाय पीने शुरू कर दियो ना जब बंद करूंगी मैं लच्छी लागी लागे मैं शाम तो शाम होता है यहाँ वो चाटी से लागे आज कुछ खाओ पियो को ना तो चाय पीने लागी अब बंद करूंगा क्या हूँ यार मतलब झूठ की भी एक हद हो या कर तीन टाइम पियो हूँ सिर्फ एक टाइम चाय पियो हूँ शाम शाम की वो भी एक छोटी सी कप तीन टाइम जान तो होगा पर मन को तक तो होगा है ना अपने प्रोग्राम ही गुना रहा मतलब कह की शादी करवाओ बता कुकू आपकी करा दो अच्छा ठीक है आपकी करा देंगे मैं तो ये बोल रहा हूँ कुकू एक आपका मामू है वो बच रहा है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है ये भगा भगा के लिए आएगा और वो भी गई फिर अच्छा है ही नहीं फिर तो कौन है तो कौन है बताओ किसकी शादी होगी मेरी आपकी आप तभी छोटू से हो तो बड़ा हूँ बड़े हो अंग्रेज की करवा दे क्या पहुंच गए नारनौल कैंटीन की साइड में पुराना कोर्ट भी बोले ना पुराने वो पुराना है ना आ रोड का नहीं पुराने कचहरी का तो भाई यो है बच्चा को डॉक्टर नारनौल में सबसे बेस्ट डॉक्टर ला गया भाई मैं तो अब तक काफी डॉक्टर चली गई दुर्गा बच्चों का हॉस्पिटल तो भाई इस पे ना डॉक्टर जो जो प्रॉब्लम होती है ना सिर्फ एक दो सीसी देता है बच्चों को ये नहीं कि बांध के देता है ना दुर्गा ये है यहाँ की एंट्री गेट पर्ची कटवा ले पहले वेट करो वेट करो खड़े हो यहाँ पे चलो आ जाओ चेक कर रहे अब तो नहीं है है ना इतने साइलेंट होके क्यों बैठे हो बच्चा को तो लो वो हाथ हटा इसके फीवर हो रहा है नाक बंद हो रहा है और जुकाम खांसी उल्टी भी कर रही है जैसे दवाई लेते ही उल्टी करती है ठीक है कब से आ रही चेयर ले लो आप यार तीन चार दिन हो गए पहले तो हम जो आपकी दवाई पहले से रखी थी फ्लू कोल्ड वाली वो दे रहे थे और ये जो पैरासिटामोल ये दे रहे थे खांसी के लिए सर ने हिमालय के वो क्या नाम था उसका कॉफरेट हाँ कॉफरेट
रेडी हो गए हैं? हाँ, आपने फीवर नापा है, मेजर किया है घर पे कितना आ रहा है? अच्छा ठीक है, आपने लास्ट मेडिसिन कब दी थी फीवर की? फीवर की तो पहले दी थी, आज नहीं दी। आज नहीं दी है आपने? ठीक है, लेकिन अभी नॉर्मल है, रात को लग रही थी। ठीक है, फीवर के अलावा और दिक्कतें बताएं? फीवर के अलावा तो कुछ नहीं। खांसी खांसी है, जुकाम है। ठीक है, उल्टी वो वैसे नहीं उल्टी करती, कुछ नहीं खाती है तो, लेकिन वैसे जैसे दवाई देते ना वो मेडिसिन आपको देख लिए ना? खांसी भी बहुत ज्यादा है। खांसी देख ले, चलो हाई फाई करो, हाई फाई बन जाती है। मैं आपको टॉफी दूंगी और अगर आप पहली बात तो ये कभी भी एक्स्ट्रा दवाई कुछ नहीं देती, जो जो प्रॉब्लम होती है ना सिर्फ उन्हीं की टेबलेट देती है। जैसे वो डॉक्टर्स बहुत सारी मेडिसिन दे देते हैं, बच्चे खा भी नहीं पाते, इनका ऐसा कुछ नहीं है, जो जो प्रॉब्लम होती है उन्हीं की देती है बस। वेरी गुड, ठीक है। चेस्ट में थोड़ी सी जकड़न है उसको, ठीक है ना, हल्की सी है, ज्यादा नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फीवर नहीं आया है, तो आपको फीवर है ना नापना है कितना आ रहा है, ठीक है ना। और फीवर हम तब बोलते हैं जब वो 100 या 100 से ज्यादा होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर 100 से ज्यादा है तो ही हम मेडिसिन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मैं सिर्फ जनरल मेडिसिन दे रही हूँ, आप ये देंगे और इसको फीवर को नापेंगे। अगर बुखार रहेगा आज और कल के बाद भी और 100 से ऊपर आएगा फिर हम ब्लड टेस्ट पे जाएंगे। अगर नहीं रहेगा तो केवल आपको ये जो मैं मेडिसिन सीख रही हूँ ये देंगे और नेबुलाइज करानी है। अगर बच्चा खांसते खांसते एक दो उल्टी कर ले तो घबराना नहीं है, क्योंकि बलगम में कहीं से तो नहीं निकलेगा। नेबुलाइजेशन इसको पतला करेगी और फिर ये बाहर निकाल देगी। पता था कि ना मम्मा मैं टॉफी नहीं खाऊंगा, आपके दांत में दर्द था, फिर वहां पे मांग भी लिया, मैडम से ही जाते ही मांग लिया। गंदा बच्चा, दवाई ले ली, अब निकल दी हम, अब जाएंगे हम बिग बाजार में। हाथों के लिए लेके आऊंगी ग्लव्स, सारे नेल्स टूट गए भाई बर्तन साफ कर करके, और ये बोलते काम नहीं करती, सारे दिन इतने बर्तन करके ऐसे डाल देते जैसे, तो भाई अब इनके घर पे वो आएगी, बाई आएगी और काम और बर्तन साफ करेगी। है कितना बर्तन वही खुद देखा भी वीगा। रोड है महेंद्रगढ़ रोड पे ना, जो कलाकंद बता रहे थे प्रदीप लेके आए थे, वो कलाकंद वो आका था वो पीछे सूरज, ये सूरज दिखा। अच्छा, सूरज स्वीट्स, सूरज स्वीट्स सूरजा के नाम से। अच्छा, बहुत बढ़िया मिठाई होती है इसकी, बर्फी कलाकंद पेड़ा तीनों चीजें। बर्फी कलाकंद और पेड़ा, अभी बिग बाजार में जा रहा हूँ, मैं स्मार्ट मेगा मार्ट में कुछ सामान ले ला। हाँ देखो बिना गॉगल्स तो उतरती भी नहीं है, हैं? चलो 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 इस साइड बेटा, इधर कहाँ जा रहे हो, इधर जाना है हमें। इधर आओ। अच्छा ले लेना, इधर चलो मम्मा के पीछे, मम्मा गई। ये भैया नारनौल का बिग बाजार है, महेंद्रगढ़ रोड पे। चलो आगे, नमकीन कौन सी लेनी है? रखी है नमकीन, खुलने अच्छी चीज है, बढ़िया। कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लो, कौन सी ली है मैगी? ये वाली मस्त बनी, बिना छुके डी बन जाएगी। मैं जर्मन में छू छू बिना छुके खाई थी, कोकोनट एक नंबर मैगी। ये पैकिंग वाला पनीर है भैया, पनीर की सब्जी, पालक पनीर, दाल मखनी, और ये छोला मसाला। पापा।
जाओगे आप बैठ जाओ, बैठोगे तब चलाऊंगा देख लो। हाँ नीचे क्यों उतारे? क्यों कलर रेड ठीक था ये इसमें ये ग्लव्स में रेडी है सारा। बेटा एक बोल ले लो, कौन सी लेनी है आपको? लेनी, कौन सी लेनी है? ये वाली ले लो, ये अच्छी है, ये वाली ये तो ले लो, ये अच्छी है, ये जी जी नहीं ये वाली ले लो बेटा, ये अच्छी नहीं है, ये तो महंगी बीस बीस से ये मैं 50-60 रुपया ले लूंगा, ये अच्छी है बस। आ जाओ चलो ये देखो कुकु, देखो गणेश जी प्यारे लग रहे ना, इसको रख दो आप, आपको तो फालतू फालतू के सामान ये देखो और ये देखो सुंदर सुंदर तो दीपावली पिलाऊंगा, ये शोकेस में रखे हैं मस्त है ना, प्राइस देखो कौन लगा रखा है 1250 कहाँ गए आपके लिए दारू के ग्लास पियो। Cheers. आया उरई शुरू होगा देख लो रख दे परन औरन ये वाला सही रे बादाम देख ये एक छोटा पैकेट ये आधी किलो को होना सही है ये छोटा बता बेटा क्या चाहिए और आपको ले लिए वो इधर आ जा एक एक या अभी तो और भी किया ट्रॉफी टॉफी फेर लिया ये अमाउंट अमाउंट बेटा ये आपकी नहीं है तो पेव करो ये तो अच्छा ठीक है एक और लोन को ले लो ये रेट रख दो तो को सामान अभी तो बाकी पेंडिंग में रह रहा है कुकु इधर आ जा बेटा मैं ये बबल्स रख दूंगी फिर क्या इधर आ जा तो आप तो अच्छी है वो ये रखी है ना घर पे ये रखी है ना नहीं रखो इसको पुरानी पड़ी थी पुरानी है तो फिर क्या हो गया मैं भी पुरानी हूँ अंकल एक नारियल पानी दे दो पिएगा नारियल पानी पिएगा तुझे लॉलीपॉप खाती है ना तो कीड़े पड़ रहे हैं तेरे पर नारियल पानी पी ले चुपचाप एकदम मीठो को ना कर दिए ये तो ना डाल दिया डंडे डंडे याद था तो उनका डंडी दे दी ही आधी किलो ये गाल दिया आधी किलो सिंगाड़ा गाल दिया ले भैया बहुत बढ़िया बर्गर बनाता है ये लोकेशन चुंगी नारनौल चुंगी के पास भाई का अन्नू के नाम से बर्गर है
कितने बर्गर खाओगी फिर? तेन तो खाने ही कौन सा क्या बनवा के लिया है? दो चाय से दिक्कत हो रही थी तो आज मैं कॉफी बना ली। कॉफी मारियो बिस्किट मैरीगोल्ड है, मारियो नहीं, मैरीगोल्ड नमकीन। शाम का ब्रेकफास्ट ले रही हूँ अब मैं। जी को गुस्सा यू कहते हैं ना आपके ससुर जी बोले हैं, देख लो इनकी गुगू। दादाजी कितना गुस्सा करते हैं, कैसे बोल रहे हैं दादाजी? अच्छे बोल रहे हैं। देखा नॉर्मल हो लोग आनते ही। खेलो। किसके साथ? मेरे साथ। आप बीमार तो हो रहे हो? अरे बाबा कुछ है क्या? क्या है? मैं बोल रहा हूँ क्या? कुछ बोल रहे हो क्या आप? मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो आप? अरे आज कुकु नई बोल लेके आया है तो आज आज इसके साथ ही सोएगा मेरा बेटा। जो भी कुछ नई चीज आती है उसी को लेके सोता है ना, है ना? खेला। क्या खेलू? कुट्टा। कुट्टा हो गया? नहीं बेटा कट्टा मत हो यार प्लीज। मैं खेल रहा हूँ ना। ऐसे नहीं खेल रहे ऐसे। तो लाग गई मेरा शाम वाला काम के और अंदर की मैं दाल अभी बर्तन पड़े ही बर्तन दूंगी और अंदर के दूध गर्म होने खातर यहाँ और भाई पापा मम्मी और ये सब क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ आपको। और ये कुकू और कुकू के पापा खेल दाल ये मैंने बना लिया पेस्ट इसका और घी में छुकड़ मारा करो हमेशा मैं दाल को अपने दाल ही। अब बनाती हूँ मैं दाल, दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ। अब मैं भाई कैमरा कहाँ रखूँ? ये देखो मेरा बच्चा मुझे प्रपोज कर रहा है। आई लव यू। वाह थैंक यू बच्चा बाय। दाल खा लो जल्दी से, दाल खा लो बेटा। हाँ रोटी, रोटियां टाइम आ गो, थोड़ी सी बनानी है आज। मम्मी पापा तो जिम में आया हाँ तो मैं रोटी बना ली हूँ और तो सारा काम करी आई, दाल धूल बनाया ही, बस रोटी रोटी बनानी ही फिर खाएंगे खाना। भी खाना वाना भी खा लिया, अब बज गए 9 और अब करूँगी बर्तन वॉश, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और भाई आज का ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और भाई जिसने जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, गुड नाइट।